आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनबॉक्स करके बजाज कंपनी का फूड प्रोसेसर, जिसमें कि रहेंगे हमारे काफ़ी सारे आइटम्स एंड वो यूजफुल रहेंगे आपके फूड को मिक्सी ग्राइंड करने के एंड आटा गूंदने के, चिप्स बनाने के, और भी छोटी छोटी वेजिटेबल्स को कट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है हमारा ये प्रोडक्ट। तो बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अनबॉक्स करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस अनबॉक्सिंग वीडियो को और देखते हैं कि क्या है इस फ्लिपकार्ट के बॉक्स में। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपको भी एक्साइटेड है इसे देखने के लिए ज्यादा है। बजाज कंपनी की तरफ से एक डायरी है, इसमें आपको चटनी जार यूज करने के, कोकोनट शेडर यूज करने के, हर चीज यूज करने का आपको तरीका बताया है, वो भी प्योर इंग्लिश में, हिंदी में बताया है, हिंदी में भी है एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें इंग्लिश में भी है। शुरू में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा एंड अगर आपको इंग्लिश हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, काफी यूजफुल रहेगी ये। तो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसकी पैकेजिंग के लिए मैं इसको देना चाहूंगी 5 स्टार एंड इसमें आप देखिए, सो नाइस। इसे हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बाकी क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसमें हमें मिलता है एक मिक्सिंग जार, सो नाइस। वाओ, वाइट कलर में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, अनब्रेकेबल पॉलीकार्बोनेट, सो नाइस। ये देखिए, ये यूज होगा आपके आटा गूंदने वाली मशीन में। काफी अच्छा वर्क है इसमें, स्टील भी इसमें यूज किया हुआ है। ये अगर आपको चटनी वगैरह बनानी है या कोई भी छोटा काम करना है आपको तो आप उसमें कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है ये डक मेकर भी है इसमें। टू हैवी इसमें देखिए, यहाँ पर आप मिक्सी वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर आप आटा गूंद सकते हैं अपना। काफी यूजफुल है ये प्रोडक्ट। तो हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, इनके तरफ हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। मैं आपको सब दिखा ही चुकी हूँ बड़ी चीजें। ये अगर आपको कोई मसाला पीसना है छोटे मोटे, या थोड़ी सी चटनी पीसनी है, या कोई भी छोटा मोटा काम है, आपको टमाटर की पूरी बनानी है, चटनी बनानी है, धनिया की या पुदीने की, तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब ये आपको छोटे छोटे इक्विपमेंट है, इन सबके जो डिटेल है वो आपको इसकी डायरी में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये SX11 है, तो इसमें आपको चिप्स के लिए भी काफ़ी सारी वैरायटीज मिलेंगी। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ कि आप क्या चीज़ ऑर्डर करने जा रहे हैं। इसमें आप अपने सब्जियाँ कर सकते हैं, घिया कस आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक में। एंड देखिए, आप इसमें चिप्स बना सकते हैं अपने, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है उस डायरी को पढ़ने की
बाकी आपको ये सब कुछ डिटेल आपको नेट से भी मिल जाएंगी और अच्छे से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एक ही मशीन में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है। हमने इसको कहाँ से मंगाया है इसका डिस्क्रिप्ट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये इसके दो हैं, दो आपको ये मिलेंगे इसके, इसको स्पेशली आटा गूंदने में यूज़ करते हैं। एंड इसको यूज़ करते हैं जैसे आपको कुछ चटनी वटनी बनानी है। इसमें एक स्टील का भी होता है, वो आपको उसके अंदर ही मिल जाएगा जो आपकी मशीन रहेगी। तो ये सब प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं एंड आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा सेट है। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो MRP है ये 8,025 रुपये है। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये आपको 6,000 तक, 6,500 तक, 7,000 तक बड़े आराम से मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको अच्छे से वो लगाने की, अच्छी जगह से करने की। अमेज़न से कर सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। अच्छी जगह से अगर आप करते हैं तो आपको ये सभी काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। मैंने जहाँ से मंगाया मैं आपको लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।